अच्छा माहौल है। काफ़ी टाइम बाद कोविड के बाद से ये पहला इवेंट ही हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। ख्याल तो ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ना क्लासेस हो रही हैं, सुबह 10 बजे तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद बस घूमते रहो यहाँ पे शाम तक इधर ही बस इंजॉय करते रहो अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे म्यूज़िक भी हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सर्ट है, यहाँ पे डांस है, सब कुछ है, स्टॉल्स लगे हैं। तो जी मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो नहीं किया लेकिन मेरी क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, अनफॉर्चुनेटली द लॉस, बट आई थिंक इट वॉज अ गुड गेम एंड आई थिंक मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड बी यू नो दे शुड बी मोटिवेटेड, द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड और बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स भी हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। बिल्कुल मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। अब मैं खुद BS का हूँ, मैं एज अ बियो कार्निवल में भी हूँ, मैं सिक्योरिटी में हूँ और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग में भी हूँ, मैनेजमेंट में। यार माहौल तो बस ठीक रहा और इन्जॉयमेंट आजकल ही हो रही है, वैसे तो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं मिला बस ये। यार बड़ा मज़ा आया बेरिया में, हमें तो थर्ड सेमेस्टर है, दो सेमेस्टर कोरोना की वजह से गए, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और पहली बार इतना बड़ा मज़ा यूनिवर्सिटी में आया है। यार शुरू में तो हमने क्लास ली सोशियोलॉजी की, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन विथ अनदर व्लॉग एपिसोड। तो आज का सीन इस तरह होने वाला है कि बहरिया यूनिवर्सिटी में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे कार्निवल स्टार्ट होने जा रहा है और आज हमने देखा कि माहौल बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में लगा रहा है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोविड के बाद मतलब ये सीन देखने को किसी को भी नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद ये कार्निवल बहरिया यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी हम जाएंगे कुछ अपने यहाँ से बैरियन से पूछेंगे कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस किस तरह है और आपका रिव्यू किस तरह है कार्निवल के बारे में। हाँ जी, तो हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं मलिक नरोज हसन, तो काफ़ी वीडियोस में हमारे साथ ये आए हैं, तो आज हम इनके साथ कुछ सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि बहरिया यूनिवर्सिटी का कार्निवल आप कैसे इन्जॉय कर रहे हैं। सर आप बहरिया यूनिवर्सिटी का कार्निवल कैसे इन्जॉय कर रहे हैं? थैंक यू सो मच वलीद, थैंक यू आपने मुझे एक और वीडियो में फ़ीचर किया। यार अच्छा माहौल है, काफ़ी टाइम बाद कोविड के बाद से ये पहला इवेंट ही हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में और काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, सही है, अच्छे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स ने भी खुद भी स्टॉल लगाए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है, फन और वाला इवेंट है ये और काफ़ी अच्छा है। तो आपने मतलब बहरिया यूनिवर्सिटी के आपने देखा कि कोविड के बाद कोई मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं था, तो बहरिया यूनिवर्सिटी के बाद सॉरी कार्निवल के बाद मतलब जो यहाँ पे सीन हुआ है, तो कितने टाइम के बाद आप ये इन्जॉय कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, जैसा मैं देखा 2 साल पहले तो ये चीज़ इम्पॉसिबल, जिस तरह कोविड के आपने हालात देखे थे, इवन कि अभी भी ये चीज़ मैंने नोट की है, इनको मास्क वगैरह पहनने चाहिए क्योंकि अभी भी ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उस तरह SOPs फॉलो नहीं की जा रही, लेकिन होनी चाहिए ये चीज़, SOPs को फॉलो भी करना चाहिए, यहाँ SOPs को फॉलो करना चाहिए क्योंकि सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा है कि कोविड का सीन तो आजकल मतलब फिनिश हो गया, तो आप किस तरह कह सकते हैं SOPs को फॉलो करना चाहिए? कोविड का सीन ख़त्म हो गया, दोबारा भी आ सकते, सर आपने देखा है पहले भी लगातार वेव्स आती रही हैं, यही होता था कि हम इसको हल्का ले लेते थे कि अब केसेस नहीं है, हालांकि केसेस आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अली इरफान शाह। डिपार्टमेंट आपका? मैं BBA डिपार्टमेंट से हूँ, 5th semester। सर यहाँ पे हमने देखा कि बहरिया यूनिवर्सिटी में कार्निवल स्टार्ट हो रहा है, तो आपके इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? ख्याल तो ये है कि बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ना क्लासेस हो रही हैं, सुबह 10 बजे तक क्लासेस होती हैं, उसके बाद बस घूमते रहो यहाँ पे शाम तक इधर ही बस इंजॉय करते रहो अपने दोस्तों के साथ, यहाँ पे म्यूज़िक भी हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सर्ट है, यहाँ पे डांस है, सब कुछ है, स्टॉल्स लगे हैं, तो बस मज़े का सीन है यहाँ पे। तो आपको मतलब मुझे लगता है कि आपको उस तरह का मतलब इवेंट मतलब मज़ा नहीं आया, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है। नहीं मैं बहुत मज़ा आया, मैंने कल परफॉर्म भी किया यहाँ पे, तो मेरा तो यहाँ पे मज़े का। तो चले और आखिर में आपसे थोड़ा आपने गिटार भी पकड़ा हुआ है, तो आपसे थोड़ी मतलब गिटार आप थोड़ा काइंडली हमारे लिए। मैं आपको बस सुना देता हूँ, इस पर सुना लें, आप सुना लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम एंड डिपार्टमेंट? सर मेरा नाम मोहम्मद फरहान अमीन है और मैं BS डिपार्टमेंट का हूँ, BBA का, और 2nd semester है मेरा। 2nd semester। तो आपको यहाँ बहरिया यूनिवर्सिटी कार्निवल के बारे में क्या आपके मतलब रिव्यूज़ हैं? सर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारा यानी कि नया एडवेंचर स्टूडेंट्स को मिल रहा है,
यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फूड स्टॉल्स, काफ़ी तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। पढ़ाई तो पूरा साल चलती है, एक यही मौका होता है जब हम इंजॉयमेंट थोड़ी होती है, सारे गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं इस तरह के इवेंट्स में। अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स वीक्स हुए हैं हमारा स्टूडेंट वीक में, उसके बाद हमारा कार्निवल चल रहा है, उसके बाद फूड स्टॉल्स वगैरह हैं, कल्चर स्टॉल्स हैं, ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेरी यूनिवर्सिटी में मतलब ज़्यादातर हाईलाइट किया जाता है मीडिया स्टडीज़ को, तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कि मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स जो है इनको भी मतलब पार्टिसिपेट मिलना चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। अब मैं खुद बीएस का हूँ, मैं एज अ बीओ कार्निवल में भी हूँ, मैं सिक्योरिटी में हूँ, और उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग में भी हूँ, मैनेजमेंट में जो स्टॉल्स वगैरह और बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनमें। असल में ये है कि इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट को खुद दिखाना पड़ता है, मीडिया में आपको पता है उनका काम ही है, दूसरे डिपार्टमेंट के जो है उनको खुद अपना इंटरेस्ट शो करना होगा, जैसे अगर वो इंटरेस्ट शो करेंगे तो उनको मौका मिलेगा। जैसे मैंने इंटरेस्ट अपना दिखाया, मुझे मौका मिला, अब उनको खुद इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा इस चीज़ में। वालेकुम सलाम, आपका नाम एंड डिपार्टमेंट? मेरा नाम फिराज पंगश है और मैं LLB 4A से हूँ, लॉकर। तो सर आप यहाँ पे बेरी यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यहाँ पे कार्निवल भी स्टार्ट हो गया है, तो आपके इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं? मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहरिया में काफ़ी अरसे से कोरोना जब से आया था तो हमारे ऐसे इवेंट्स नहीं हुई थी, और मेरा खुद मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, मेरा ये पहला इवेंट है एंड आई थिंक इट्स रियली गुड। और इसके अलावा आई मायसेल्फ हैव पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट, आई एम गोइंग टू बी अ होस्ट ऑफ अ शो टुमारो इन बेदबाजी मे बी। एंड तो यहाँ पर जो स्टूडेंट वीक हुआ है तो उसमें स्पोर्ट्स गाला भी हुआ है, तो आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है? जी मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन मेरी क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, अनफॉर्चुनेटली द लॉस, बट आई थिंक इट वाज अ गुड गेम एंड आई थिंक मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड बी, यू नो, दे शुड बी मोटिवेटेड, द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, और बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स भी हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है अफान और उजैर काज भी, तो हमारे साथ ये क्लास में पढ़ते हैं, हमारे अच्छे खासे दोस्त हैं ये, तो आज हम इनसे पूछते हैं कि बेरिया यूनिवर्सिटी में आपको किस तरह का माहौल मिला और किस तरह का एंजॉयमेंट आपने यहाँ पे थी? यार माहौल तो बस ठीक रहा और इन्जॉयमेंट आजकल ही हो रही है, वैसे तो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं मिला, बस यही है। तो आपको किस तरह का माहौल मिला यहाँ पे इन्जॉयमेंट के हिसाब से? यार काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, तकरीबन दूसरा सेमेस्टर चल रहा है हमारा, पहला कार्निवल हो रहा है, तकरीबन दूसरे सेमेस्टर तक मतलब कि हमने कोई इन्जॉय नहीं किया, सिर्फ स्टडी होती थी, बाकी कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा क्लासेस वगैरह भी नहीं हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो आपने कहीं यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक भी हो रहा है, तो यहाँ पे आपने किसी स्पोर्ट्स मगाला में आपने कंपटीशन लिया है या हिस्सा कोई पार्टिसिपेट लिया है आपने? मेरे दोस्त ने लिया है लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, देखने में इंटरेस्टेड हूँ लेकिन खेलने में इतना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो आई थिंक कि आपको मतलब देखने में इस तरह आपकी फिजिक लगती है कि आप क्रिकेट में बहुत बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन चलो ये भी वही अच्छी बात है। और आपने किसी स्पोर्ट्स में कंपटीशन में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट लिया है कि नहीं? नहीं यार मैंने सोचा था क्रिकेट में लूँगा, लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रही थी तो कुछ प्रॉब्लम थी, यूनिवर्सिटी नहीं आ सका उस वजह से, अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं ले सका उसमें। तो बहरिया यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर कोई इवेंट होने जा रहा है, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? बस क्या कह सकते हैं यार, सही है, इवेंट अच्छा जा रहा है, ठीक है, और आज तो माशाल्लाह सही तैयार हो के आए हो, प्यारे लग रहे हो आज तो। सही है यार, बस क्या करें यार। और आप तो माशाल्लाह पठान है, तो आपने कल्चर परफॉर्मेंस अपनी यहाँ पे दी है कि नहीं? मैं मुझे पता नहीं था, इंशाल्लाह नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे। नहीं यार कुछ नहीं दी, इंशाल्लाह अगले कार्निवल में हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम एंड डिपार्टमेंट? सर साहिल असलम, LLB 3rd। तो यहाँ पे बेरिया यूनिवर्सिटी में कार्निवल हो रहा है, तो यहाँ पे आपने किस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है? मैंने हमने सिंधी कल्चर डांस पे एक पार्टिसिपेट किया था और एक सॉन्ग पे, सूफी सॉन्ग पे। तो वहाँ पे आपको मतलब किस तरह का इन्जॉयमेंट का माहौल मिला और किस तरह का आपको फील लगा? यार बड़ा मज़ा आया बेरिया में, हमें तो थर्ड सेमेस्टर है, दो सेमेस्टर कोरोना की वजह से गए, थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और पहली बार इतना बड़ा मज़ा यूनिवर्सिटी में आया और एंजॉय किया, और यूनिवर्सिटी बेरिया वालों ने पहली बार कोई कल्चर इवेंट करवाए जिनमें उन्होंने सारे कल्चर्स को मौका दिया है कि वो आके रिप्रेजेंटेटिव करें, एक बड़ा मज़ा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी बहुत हो रहा है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपने किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है कि नहीं? जी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है सूफी सॉन्ग पे, तो वो अभी तक नंबर नहीं आया, जब नंबर आएगा तो मैं आपको बुला लूँगा, तो काइंडली वो वीडियो भरिए।
किस तरह से इख्तिताम होता है, तो आपने देखा कि बहरे यूनिवर्सिटी कार्निवल किस तरह स्टार्ट हुआ और किस तरह हमने लोगों से उसके रिव्यूज़ लिए, और यहाँ पे कल भी स्टार्ट होने वाला है ये, कल भी इंशाल्लाह इसी तरह इसी माहौल से इसी एनर्जेटिक फीलिंग से ये स्टार्ट होगा। तो आज का हमारा सीन इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो वाइज, ये हमारे नरोस मलिक नरोस, यार आपने किस तरह मतलब एंजॉय किया? मलिक नरोस को छोड़े आप ये कौन है? बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत एंजॉयमेंट किया, गार्डन गार्डन हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, बहुत बहुत मजा आया सर, आपने बहुत 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 मजा आया। इसी अपनेपन के साथ नाजरीन हम मिलते हैं अफान मलिक से। अफान जी आप नहीं, हमारे प्यारे अफान है मलिक, अपने आप से मैंने निकाल के हमने सर जी वली चांडियो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं यार? बस यार अब मुझे चांडियो तो ना बोलो, मैं चांडियो वो नहीं तो यार हो तो वहाँ से ये लड़का तो वहाँ से करते हो ना नहीं यार ब्लॉग उस तरह से मैं नहीं करता यार। क्या था वो जो नहीं वो जो बातें चांडियो 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 नहीं होता वो, अच्छा नाम है उसका, तो उस तरह मतलब नहीं बनाता यार वो, मतलब अच्छा दिन अच्छा रहा आपका, मतलब क्या आपने एक्टिविटीज क्या क्या की यहाँ पे? यार शुरू में तो हमने क्लास ली सोशियोलॉजी की, आप सुबह सो के आए थे तो ये नहीं बोलना था, आप आए थे क्लास में टाइम पे, वो मैं वैसे ही मैंने क्विज भी दी, तुम्हें पता है कितने मार्क्स आए मेरे क्विज में? क्विज में तो आपके फुल मार्क्स लग गए थे। सर ये उल्टा बता रहा है, उल्टा बता रहा है।